सब्सक्राइब कीजिए दादा भाई टेक चैनल पर, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दादा भाई टेक के अवसर पर मेरे लावा X2 की तरफ से, जो आज लॉन्च 11 मार्च को लॉन्च होगा, मगर उसका भी प्रीऑर्डर स्टार्ट हो चुका है कुछ आपका, कुछ 6,999 मतलब 7,000 के देखने में। 6 MAH की फुल HD डिस्प्ले, 5 MAH की बैटरी, साथ ही मीडिया टेक का कुछ चिपसेट है और 8 MP कैमरा बैक इधर, वो दो कैमरा सेटअप देखने को मिले, फिंगरप्रिंट सेंसर, बहुत सारे फीचर। साथ ही लावा की तरफ से एक बजट रेंज वाला फोन लॉन्च चुका है एंड्रॉइड फोन, देखते क्या नहीं खासियत रही, बोलते हैं देखने को मिल जाएंगे। दूसरी मुझे मी बैंड की तरफ से मी बैंड 7, इसकी भी कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं। मी बैंड 6 जो 6 था उसका सक्सेसर मी बैंड 7 बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसमें आपको लार्ज डिस्प्ले देखने को मिलेंगे, जीपीएस सपोर्ट देखने को, और बहुत सारे फीचर के साथ ये जो भी मी बैंड 7 है आपको देखने को मिलेंगे और बेहतरीन प्राइस में देखने को मिलेंगे। इसको जो ऑफर जारी मी बैंड की तरफ से, सिर्फ जारी और सोनी और होंडा की तरफ से, सोनी और होंडा दोनों ने पार्टनरशिप किया और वो बहुत जल्दी आपको इलेक्ट्रिक कार देखने को मिल सकता है उनकी तरफ से, जो ऐसा कहा जा रहा है कि आपको 2025 में आपको देखने को मिल जाएंगे जो फास्ट कार रहेंगे इलेक्ट्रिक कार, जो सोनी और होंडा की तरफ से देखने को मिलेंगे। इसकी शॉपिंग हो जा रही है सोनी और होंडा की तरफ से, मतलब जो जैसे अलर्ट स्लाइडर का जो फीचर रहता था वो वन प्लस में भी दिया देखने को मिला था, और जैसे एप्पल के फोन में देखने को मिलता है, मगर वैसे ही आपको रियलमी के फोन में देखने को मिलेगा। इसको ऑफर मिल जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि रियलमी GT सीरीज में देखने को मिल सकता है या फिर उसके हायर वर्जन में देखने को मिलेगा, और ये भी फीचर आपको देखने को मिल सकता है रियलमी के फोन में। इसको ऑफर मिल जा रहा है रियलमी की तरफ से। पांचवें ऑसम नाम से प्राइवेसी ऑसम नाम का फोन है जो बेहतरीन स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 सीरीज का देखने को मिलेंगे। इसको जो ऑफर जा रही है ऑसम की तरफ से, साथ ही 48+12 मेगापिक्सल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, 16 MP फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, डुअल सिम रहेंगे सब, ये बेहतरीन फोन रहेगा। देखते क्या खासे थे, इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी देखने को मिले, जब लॉन्च होंगे पता चलेंगे कि इंडिया में लॉन्च होगा या फिर ग्लोबली रहेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। मोटोरोला G22 ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशन लिख चुके हैं, इसमें आपको 6.5 की फुल एचडी रेटिंग, G37 एंड्रॉइड कलर, 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 58+2 का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, फ्रंट 16 MP कैमरा देखने को, 5 MP बैटरी, 10 W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेंगी। साथ इसका जो बेस वेरिएंट है 4+2 कुछ 14,000 देखने में इस प्राइस में, साथ मोटो G20 लॉन्च हो जाएगा। थैंक यू।